अगर तुम एक क्लास 9th या फिर क्लास 10th के स्टूडेंट हो और अपने सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हो, वो भी अच्छे तरीके से, तो इस स्टडी टेक्निक को फॉलो करो, तुम्हारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होगा। ये जो मेथड है ना, अगर तुमने सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कर लिया तो देखो तुम भी उन टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे और तुम्हें भी क्लास 9th या फिर क्लास 10th में 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और ये है हमारा 9th और 10th का चैनल। देखो यार, एक बहुत ज्यादा डिमांड तुम सबकी आ रही थी कि भैया यार हमें ना कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे कि हम कम टाइम के अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा खत्म कर सकें। तो उसी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। एक स्टडी टेक्निक है, एक पूरा प्रोसेस है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज हैं, SST, मैथ, इंग्लिश, सबके लिए मैं एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ। अगर इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करा तो तुम भी टॉपर बनोगे यार। पिछले साल इन्हीं स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके स्टूडेंट टॉपर बने थे, अब तुम्हारी बारी है। तो डे बाय डे देखते हैं कि हमें करना क्या है। अब देखो, इमेजिन करो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, तुमने अभी तक ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी। मैं ये मान के चलता हूँ तुम वो एक स्टूडेंट थे जिसने अभी तक गेम खेला है या फिर तुम कुछ भी करते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी थी। तो अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास बहुत सारे सिलेबस है, अब तुम्हें उन सबको खत्म करना है, तो तुम्हें ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, आपको अपने सेल्फ स्टडी आवर्स पता होने चाहिए। अभी मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, 90% स्टूडेंट्स आज के समय पर खुद के सेल्फ स्टडी आवर्स के बारे में नहीं जानते। मतलब क्या तुम्हें पता है तुम्हें डेली कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है? ट्यूशन हटा दो, स्कूल हटा दो, होमवर्क हटा दो, सेल्फ स्टडी की बात करो। कभी तुम आधे घंटे पढ़ते हो, कभी तुम एक घंटे पढ़ते हो, कभी तुम दो घंटे पढ़ते हो, कभी तुम पढ़ते ही नहीं हो। अगर ऐसे करोगे तो सिलेबस तो भाई खत्म नहीं हो पाएगा। सबसे पहले अपने सेल्फ स्टडी आवर्स को डिफाइन कर लो कि भाई देख, डेली पढ़ूंगा केवल एक घंटे पढ़ूंगा, या फिर एक घंटे से भी कम ले लो, 45 मिनट्स ले लो, या फिर जितना भी आपके सेल्फ स्टडी आ रहे हैं, एक घंटा दो घंटा कुछ भी लिख लो, बट इतना टाइम मैं हर रोज दूंगा या दूंगी, हर रोज, एवरी सिंगल डे। इस बात को हमें याद रखना है। तो स्टेप नंबर 1 एकदम क्लियर है कि खुद के सेल्फ स्टडी आवर्स को कहीं पर लिख लो कि इतने घंटे तो डेली पढ़ना है। और यार देखो, ये वीडियो पढ़ने की है तो एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ यार। बहुत बार तो स्टूडेंट्स खाना खाते टाइम इस वीडियो को देखते रहते हैं, ऐसा मत करो यार, नोटबुक पेन लेकर आ जाओ और चीजों को नोट करते रहो। स्टेप नंबर 2 क्या है? सेट डेली एंड वीकली टारगेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। तुम क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में तुम्हें पता होगा विराट कोहली है ना, वो जब चेज करता है रन को, है ना, जब जैसे कि इमेजिन करो ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन का टारगेट दिया और अगर विराट कोहली खेल रहा होगा ना तो चेज कर देगा 300 रन। आपने देखा होगा विराट कोहली चेज मास्टर भी बोलते हैं कि वो रन को बहुत जल्दी चेज करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा है माइंडसेट की वजह से। जब हमारे पास हमारा टारगेट क्लियर होता है ना कि भाई इतने बनाने और इतने ओवर है, तो हम काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। सेम चीज पढ़ाई में लागू होती है। आपको क्या करना है ना, आपको डेली टारगेट्स अपने क्लियर होने चाहिए। जैसे कि होगा क्या ना, मैं आज के समय पर मुझे ये पता है कि आज मुझे SST का ये वाला चैप्टर करना है, या फिर साइंस का मुझे आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है, या फिर मुझे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, जो भी तुम्हारा है। अगर तुम डेली टारगेट्स लिखोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। 99% स्टूडेंट्स आज के समय पर अपने डेली टारगेट्स नहीं लिखते, वो कुछ भी पढ़ते हैं, जो उनका मन करता है, यार आज ना थोड़ा सा टाइम मिल गया मैथ कर लेता हूं। अरे भाई, डेली टारगेट्स बना कि आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा। तो डेली टारगेट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3, और ये मेरा तुमसे एक सवाल है। सवाल क्या है? कल कब करेंगे भाई, बताओ। आज इस वीडियो को देखने के बाद ना 90% स्टूडेंट क्या करेंगे, वीडियो को बंद करेंगे, बोलेंगे यार प्रशांत भैया की बातों से मोटिवेशन आ गई, अब कल से करेंगे। कल कब आएगा? कल कब करेंगे? तो जो कल करते हो इसको बंद करो और आज से स्टार्ट करो, और आज से स्टार्ट करो विद कमेंटिंग इन दिस वीडियो। इस वीडियो के नीचे जाओ और कमेंट कर दो, भैया आज से शुरू कर दिया है। जो चीजें आज मैं बता रहा हूं आज से फॉलो करोगे, कल से नहीं, आज से, इस बात को याद रखना। उसके अलावा क्या है? ओनली स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। देखो, अगर तुम किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे तुम CBSE बोर्ड के हो, ICSE बोर्ड के हो, या फिर SST बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। अगर तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं, हाँ तो तुम्हें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बट अगर तुम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, फालतू का मत पढ़ो। बहुत सारे लोग हैं ना फालतू की किताबें लगाते हैं जिनका कोई यूज नहीं है, तो फालतू किताबें मत लगाओ, उतनी लगाओ जिनकी हमें नीड है। तो ये तो थी हमारा रोड मैप। अब मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं विद क्या है हमारी फिजिक्स स्ट्रेटेजी। देखो, साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तीनों को मैंने तोड़ दिया है, पहले मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो ज्यादा डीपली नहीं समझा पाऊंगा, इस पूरी PDF को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि तुम इस पूरी PDF का लाभ उठा पाओ। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है?
स्टडी फ्रॉम वन शॉट। अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो ना जिसको स्कूल में समझ नहीं आ पाता, अगर तुम्हें स्कूल में समझ आता है बहुत अच्छी चीज है, बट अगर समझ नहीं आता है मेरे दोस्त, इस चैनल के ऊपर मैंने खुद ने फिजिक्स पूरी पढ़ाई हुई है, तू पढ़ सकता है आराम से जाकर। और वो वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है, किसी भी सीनियर से पूछ लेना प्रशांत भैया के लेक्चर कैसे हैं, वो तुम्हें बता देंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है कि भाई वन शॉट से हमें पढ़ना है अगर हमें स्कूल से समझ नहीं आता। स्कूल से समझ आता है बहुत अच्छी चीज है। सेकंड चीज क्या है, स्टडी फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट। अब देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड सवाल बहुत आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है हमें यार। हमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर थ्री क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि बहुत बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि यार बल्ब का मटीरियल टंगस्टन ही क्यों होता है, ऐसे फ्यूज का मटीरियल कौन सा होता है, क्या फ्यूज के मटीरियल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों होता है, तो सारे सवाल पूछे जाते हैं लॉजिकल क्वेश्चन। इनकी प्रैक्टिस कहां से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाने वाला हूं, कुछ टाइम में रिवील करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत चल रही है, बाद में बताएंगे। ठीक है, आगे बताते हैं केमिस्ट्री स्ट्रेटजी। केमिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर ये भी मैंने पढ़ा रखा है, आप देखोगे एक एक मिलियन व्यूज है यार, लोगों ने पढ़ा है पिछले साल 95-98% लेकर आए हैं, तो तुम भी पढ़ सकते हो हमारे वन शॉट से। उसके अलावा क्या है, एवरी रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। एक चीज याद रखना, केमिस्ट्री के अंदर हर एक रिएक्शन, एवरी सिंगल रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। स्पेशली जो आपका चैप्टर नंबर वन होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसकी हर एक एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन और एक लास्ट चैप्टर कार्बन कंपाउंड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनको बहुत ढंग से पढ़ना। ठीक है, तो मैंने बता रखा है एवरी एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, हमें सारी चीजें पढ़नी है। अगर तुम मेरे लेक्चर देखोगे उसमें मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा बायोलॉजी, बायोलॉजी मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई है, मैं कोशिश जरूर करूंगा इस साल तुम्हें मैं पढ़ा पाऊं। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, मेक शॉर्ट नोट्स। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, छोटी छोटी चीजों में चीजों को लिख देना है। अगर बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बनाओगे बहुत आसानी होगी। अगर तुमने एक चैप्टर को 2-3 पन्नों में खत्म कर दिया ना, तो बाद में रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। उसके अलावा क्या है, प्रैक्टिस एमसीक्यू। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना जो कि तुम्हारे बोर्ड में आते हैं, वो बायोलॉजी से बहुत सारे आते हैं और तुम भूल जाते हो क्योंकि अजीब अजीब से नाम होते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो प्रैक्टिस कर लेना बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यूज और डायग्राम्स भी, सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये तो तुम्हें पता ही है। उसके अलावा क्या है, मैथ स्ट्रेटजी। मैथ देखो, मैथ की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, फॉर्मूला शीट ईएक्सपी हब जो कि हमारी टीम है, हमने पूरी फॉर्मूला शीट फ्री में टेलीग्राम पे डाल रखी है। फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास चिपका लेना, जैसे तुम कोई भी फॉर्मूला ना भूलो, सॉरी। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, सबसे पहले एनसीईआरटी, आरडी शर्मा नहीं, आरएस अग्रवाल नहीं, एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी दिमाग में डाल लो। एनसीईआरटी के बाद हमें करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो हाँ फिर तुम आरडी शर्मा वगैरह कर सकते हो, बट एक चीज याद रखना, अगर तुम सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो, आरडी शर्मा करना जरूरी नहीं है। मैंने टॉपर्स इंटरव्यू भी डाले हैं, उन्होंने भी बोला है कि आरडी शर्मा एक स्टूडेंट अगर अच्छी प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकता है, बट हाँ अगर तुम्हें 95% लानी है तो आरडी शर्मा करनी जरूरी नहीं है, आरडी शर्मा के बिना भी आ जाते हैं। बट हाँ, एक आरडी शर्मा अच्छी किताब है, मैं तो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बिल्कुल करिएगा। उसके अलावा क्या है, सोशल स्टडीज। इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, एक चीज याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर आंसर्स इन पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड के अंदर ना आंसर पैराग्राफ में लिख के आते हैं, जब भी तुम आंसर पैराग्राफ में लिखोगे तुम्हें नंबर कम मिलेंगे। कई हमारे टीचर्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करते हैं, उन्होंने मुझे इनसाइट इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि जो स्टूडेंट पॉइंट्स में आंसर लिखता है उसको नंबर ज्यादा मिलते हैं। क्यों, क्योंकि पॉइंट्स के आंसर को चेक करना आसान होता है। जैसे इमेजिन करो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुमने 5 पॉइंट लिख रखे हैं, मैं देखूंगा ऊपर ऊपर से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, सारे पॉइंट्स देखे, टिक मारा, 5 नंबर दिया, आगे बढ़ गया, समझे। तो आंसर्स को पॉइंट में याद करो, पॉइंट, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट में याद कर रहे हैं। और सेकंड क्या है हमारा, फोकस मोर ऑन ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पिछले साल के एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो इकोनॉमिक्स आसान होती है, पॉलिटी आसान होती है, हिस्ट्री थोड़ी बहुत टफ होती है, बट हिस्ट्री भी हो जाती है। ज्योग्राफी पे कोई बच्चा ध्यान नहीं देता और आखिरी के टाइम में तुम फंसोगे ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि तुम्हें याद नहीं हो पाती। ज्योग्राफी में अभी से टाइम देना स्टार्ट कर दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों तो तुम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या है, इवेंट्स को विजुलाइज करो। हिस्ट्री को याद करने का तरीका क्या है, उसकी एक पूरी वीडियो बना रखी है, वो देख लेना, विजुलाइजेशन कैसे करना है एसएसटी के अंदर, वो पूरा समझा रखा है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इंग्लिश, पहला पॉइंट
नेवर रीड समरी, समरी कभी मत याद करना। मतलब बहुत सारे बच्चे ना खुद को वो समझते हैं कि भैया हम ही है जो हम बोलते हैं ना कि यार हम तो शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे। मैंने कहा क्या शॉर्ट ट्रिक निकालोगे भैया, हमने यार वो ना यूट्यूब पे जाएंगे समरी को सुन लेंगे और हमें याद हो जाएगा। मैं कहूंगा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तुम मूर्ख बन रहे हो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे एग्जाम में अगर तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना, मान लो कल ही एग्जाम है, तो हाँ ये टेक्निक अच्छी है, बट अगर तुम्हारे एग्जाम में टाइम है तो याद रखना पूरी समरी मत पढ़ो, ये समरी वगैरह पढ़ना छोड़ो, पूरी किताब पढ़ो, हर एक पॉइंट करो किताब का। क्यों? क्योंकि बहुत बार ना क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो अंदर से आते हैं बुक के, जो आपके लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं ना वो अंदर से आते हैं, और एग्जामिनर ये देखता है कि भाई वो क्या सोच पा रहा है, जो क्वेश्चन हमने पूछा उसका आंसर आप कैसे लिख पा रहे हो। अगर आप आंसर वही बुकिश लैंग्वेज में लिख दोगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर तुम अपने अकॉर्डिंग लिखोगे ना तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है कॉपी वो भी खुश होगा, वो कहेगा यार बच्चे ने मेहनत करी है, तब और नंबर मिलते हैं। तो जो समरी वाली टेक्निक है ना आखिरी टाइम में काम आती है, अभी मत करो। स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश हिंदी में उसे ध्यान से सुनो, उसके अपने खुद के नोट्स बनाओ, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बुक के अंदर अंडरलाइन करते चलो। समरी लास्ट के टाइम में देखनी चाहिए, अभी से नहीं देखनी होती। अगला पॉइंट क्या है? एट एंड प्रैक्टिस राइटिंग और रीडिंग। मतलब जब लास्ट का टाइम आ जाए ना, जब तुम्हारे एग्जाम में एक महीना है, तब जाकर तुम रीडिंग और राइटिंग को प्रैक्टिस करो, अभी से इनको ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक महीने में हो जाता है। ये थी हमारी सारी स्ट्रेटजीज, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, साइंस को तो पूरा ही खोल दिया हमने, तो सारी चीजें हमने बता दी है। वीडियो थोड़ी लंबी थी, बट अगर तुम अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चैनल सब्सक्राइब करना है तो करिएगा, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने एक मित्र के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ एक चीज याद रखना यार, इस बार तुम आओगे 10th क्लास के अंदर, तुम्हारा नाम छपेगा। पिछले साल कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकले हमारी टीम से, वो तुम्हें मैंने एक वीडियो के अंदर दिखाए थे। तो भाई अगले साल मुझे चाहिए तुम्हारा रिजल्ट, 2024 में मुझे तुम्हारी फोटो चाहिए। हाँ भाई तेरे से ही बात कर रहा हूँ, हाँ बहन तेरे से ही बात कर रहा हूँ, चाहिए मुझे तुम्हारी फोटो। 95, 98 तुम लेकर आओगे, इस बात को याद रखना। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम है।